जबलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय रोहाणी को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर शोध संकलन कार्य हेतु किए जाने पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि PhD से सम्मानित किया गया। उसी सम्मान समारोह के अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने जय रोहाणी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात साहू जी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेरा सम्मान किया गया। मैं बहुत हर्षित हूँ कि पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे आज़ाद शत्रु के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्थापक के रूप में हैं, उनका आज हमारा सम्मान किया। मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत हर्षोल्लास हूँ कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देती है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारत के ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी के साथ साथ भारत में कैसे एक नया उदय हो सके उसके लिए अपना पूरा संघर्ष और पूरा जीवन दे दिया। डॉक्टर जय कुमार रोहाणी, मेरा शोध अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर हुआ है और भारतीय राजनीति के नेतृत्व के कैसे भूमिका हो सकती है, इस विषय पे मैंने अपना शोध पूरा किया है। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार का और मैं धन्यवाद करता हूँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सभी टीचर्स का, कुलपति का एवं डॉक्टर विवेक मिश्रा का, जिन्होंने मेरे शोध करने में मेरा पूरा साथ दिया एवं उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा। धन्यवाद। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में और आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ खड़ी है उस मुकाम तक पहुँचाने में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले श्रद्धेय अटल जी हम सब के लिए हमेशा आदर के केंद्र हैं और जिज्ञासा का भी केंद्र हैं। ऐसा आकर्षक और ऐसा चमकी व्यक्तित्व बहुत बिरले लोग होते हैं और उनके ऊपर शोध, उनके जीवन पर शोध, ये अपना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भाई हमारे जय रोहाणी जी ने उनके विषय पर, उनके जीवन पर शोध किया, PhD किए। निश्चित रूप से उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय चुना, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व तो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। उनको समझना, उनके जीवन को समझना, उनके व्यक्तित्व को समझना, उनके कार्यशैली को समझना और क्या ऐसा कारण था कि न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष उनका हमेशा आदर करता था। तो जब ऐसे व्यक्ति का पर PhD होती, शोध होता, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी पर जब ये शोध के ग्रंथ जब सामने आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को सुनने को, समझने का अवसर मिलेगा। मैं भाई जय रोहाणी को बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।